अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मलाई सीख बिरयानी बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये डिश बनकर तैयार होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप बस आप इस रेसिपी को फॉलो करिए, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीख कबाब बना लेते हैं। आधा किलोग्राम बोनलेस चिकन में कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। तो ये मसाले हम इसमें डाल देते हैं। साथ में डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 2 टेबल स्पून तली हुई प्याज डालेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसके बगैर भी आप बना सकते हैं कबाब। और 1/4 कप डालेंगे प्याज और 1 टेबल स्पून डालेंगे फ्रेश क्रीम या फिर दूध की मलाई। फ्रेश क्रीम से जो कबाब बनेंगे बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, 1/4 कप डालेंगे हरा धनिया और 1/4 कप डालेंगे पुदीने के पत्ते। अब इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए 2 स्लाइसेस ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं, लेकिन आप इसकी जगह पर 2 से 3 टेबलस्पून भुने हुए बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड का स्लाइस यूज़ कर रहे हैं तो पानी में डुबो कर उसको निचोड़ कर इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से इसका सारा पानी स्क्वीज कर दीजिएगा और बस अब हमें इसको मिक्सी में पीस लेना है। एकदम फाइन इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसको कबाबों का शेप दे देंगे। तो मैंने सीख इंसर्ट करी है इसमें। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप पेंसिल वगैरह से भी कबाबों का शेप दे सकते हैं, पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इस तरह से हम सारे ही कबाब तैयार कर लेंगे। जितना हमारा मिक्सचर है इसमें हमारे 12 से 13 सीख कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इनको ऐसे ही फ्राई करके खा लें, बहुत मज़े के कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म करके कबाबों को शैलो फ्राई कर लेंगे। 1.5 से 2 मिनट साइड को टर्न नहीं करेंगे। जब ये अपना शेप ले लेंगे तब साइड्स बदलेंगे और 5 से 6 मिनट इनको हर तरफ से साइड्स बदलते हुए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं फ्राई करते हुए 80 से 90% कुक हो जाएंगे। हल्का फुल्का अगर कनीर रह गई है, हल्के फुल्के कच्चे हैं, तो फिर वो दम के टाइम पूरे हो जाएंगे। वैसे ये ऑलमोस्ट इसी टाइम पैन में कुक हो जाते हैं 5 से 6 मिनट में। तो यहाँ पर हमारे कबाबों में अच्छा सा कलर भी आ गया और ये अच्छे से पक भी गए। तो बस अब हमें इनको निकाल लेना है। बाकी ये कबाब भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब ग्रेवी बना लेते हैं। पैन के अंदर 1/2 कप तेल गरम कर लेंगे। मैंने वही तेल लिया है जिसमें मैंने कबाबों को फ्राई किया था, क्योंकि उसमें कबाबों का फ्लेवर है तो बिरयानी में टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम डालेंगे इसमें कुछ साबुत गरम मसाले, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 छोटी इलायची, 8-10 काली मिर्च, 1 जावित्री का फूल, 1 बादियान का फूल, 7-8 लौंग और छोटे छोटे से टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ले लीजिएगा। बस इसको थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाएंगे, तड़क जाएंगे, इसमें 1 लाल प्याज डाल देंगे फाइन चॉप करके, ये 1 कप के करीब है। और प्याज को हल्का सा गुलाबी हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज इस तरह से हल्की सी गुलाबी होना शुरू हो जाएगी, 1.5 बड़े चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, मिला देंगे इसको भी। अब डालेंगे इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला पाउडर। किसी भी अच्छी ब्रांड का बिरयानी मसाला पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर शान का यूज़ किया है। और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें नमक, मिला देंगे इसको और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जिससे कि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएंगे। और अब हम डालेंगे इसमें 1/2 कप दही। इस टाइम पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। जब ये खूब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हमें गैस की फ्लेम को हाई करना है और यहाँ से दही के पानी को हमें ड्राई कर लेना है। साथ ही साथ हम इसमें 10 से 12 काजुओं का पेस्ट भी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर काजू को मैंने पीस लिया था, या फिर आप बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से हम पानी ड्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सुखा लेते हैं। जब इस तरह से ये थोड़ा सूखना शुरू हो जाएगा, तेल ऊपर आने लगेगा, इसमें हम 7 से 8 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, या फिर आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है पेस्ट से भी। मिला देंगे इसको और अब हम डालेंगे इसके अंदर चीज़। तो ये 2 अमूल चीज़ क्यूब्स हैं। प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, लेकिन चीज़ ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। इसके बगैर भी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। बस धीमी आंच पर चीज़ को मेल्ट कर लेंगे। जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें 1/3 कप डालेंगे फ्रेश क्रीम या फिर दूध के ऊपर जमी हुई मलाई और 1/3 कप डाल देंगे मेयोनीज़। ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं, आपको डालनी ही डालनी है इसके अंदर। हाँ, चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर गैस की फ्लेम बंद है, अगर हम गैस ऑन रखेंगे तो फिर मेयोनीज़ तेल छोड़ देगी। तो ये याद रखिएगा कि आपको इस टाइम पर गैस बंद रखनी है, सिर्फ मिलाना है क्रीम को और मेयोनीज़ को इसके अंदर।
तो ये हमारा बिरयानी का मसाला तैयार हो गया है। इसी टाइम पर आप चाहें तो कबाब इसमें शामिल कर सकते हैं, और आप चाहें तो कबाबों को 2 से 3 टुकड़ों में काट कर भी इसमें डाल सकते हैं। इधर चावल पका लेते हैं। 2 लीटर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। 2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे, 2 तेज़पत्ते और 1 से 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगी 2 कप इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे। मैंने बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस का इस्तेमाल किया है, इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। वज़न में ये जो चावल है ये तकरीबन 400 ग्राम है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर पका लेंगे जब तक हमारे जो चावल हैं 90% तक कुक नहीं हो जाते हैं। हमें ऑलमोस्ट चावलों को पका लेना है, बस एक हल्की सी कनी रह जाए बस उस टाइम पर हम इसको छान लेंगे। तो चावल पक चुके हैं, छान कर इसको साइड में रख देते हैं। अब बिरयानी की असेंबलिंग कर लेते हैं। पैन के अंदर सबसे नीचे हम तेल लगा देंगे जिससे कि चावल चिपके नहीं। चावल की एक लेयर लगा देंगे। मैं यहाँ पर 3 लेयर्स लगा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो सिंपल नीचे चावल की लेयर बिछाएं, बीच में ग्रेवी लगाएं और ऊपर आप चावल की लेयर बिछा दें। तो मैं जो 3 लेयर्स लगा रही हूँ, तो सबसे नीचे मैंने चावल बिछा दिए हैं, ऊपर मैंने ग्रेवी लगाई है। अब हम कबाब इसके ऊपर रख देंगे। आधे कबाब मैं रख दूँगी इसमें, आधे मैं बाद में यूज़ करूँगी। तली हुई प्याज इसमें डाल देंगे, हरे धनिए और पुदीने के पत्ते इसमें डाल देंगे। दोबारा से इसमें चावल डाल देंगे। अभी एक हिस्सा चावल मैंने बचा लिए हैं। अब फिर से इसमें ग्रेवी डाल देंगे। सारी ग्रेवी इस टाइम पर हमें इसमें डाल देनी है और इसमें कबाब अरेंज कर देंगे और तली हुई प्याज, हरे धनिए और पुदीने के पत्ते इसमें डाल देंगे। अब बाकी के बचे हुए सारे चावल डाल देंगे। अब ऊपर से डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी। 1 से 2 चम्मच आप देसी घी इसमें डाल सकते हैं। तली हुई प्याज, हरे धनिए और पुदीने के पत्ते डाल देंगे। अब ये आधा कप दूध है, इसमें मैंने 1 टीस्पून केवड़ा वाटर घोल लिया था, वो हम इसमें मिलाकर डाल देंगे। दूध को फैलाते हुए डालेंगे जिससे कि हर तरफ से चावल दूध में भीग जाएं। जब ग्रेवी की लेयर लगाई थी उसी टाइम मुझे आलू भी अरेंज करने थे। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं जो कि मैंने तल लिए थे, डीप फ्राई कर लिए थे। 100% पके हुए आलू हैं ये। तो आलूओं को तल कर डीप फ्राई करके रख लीजिएगा और पूरा ही उनको पका लीजिएगा। और जब लेयरिंग करें तो उसी टाइम जब आप कबाब वगैरह अरेंज कर रहे हो तो आलू भी साथ में डालते जाएगा। लेकिन मैं भूल गई, तो मैंने लास्ट में इनको ऊपर से इस तरह से अरेंज कर दिया है। अब हम इसको ढक देंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हमें इसके नीचे कोई भी तवा वगैरह लगा देना है और लो फ्लेम पर बस 10 से 12 मिनट इसको पकाएंगे। हमें बहुत देर इन चावलों को दम नहीं करना है। ज़्यादा देर दम करेंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा दम मत कीजिएगा। 10 से 12 मिनट हो गए और यहाँ पर हमारी मलाई सीख बिरयानी बनकर तैयार है। ये थोड़ी सी इसी तरह से चिपचिपी सी होती है क्योंकि हमने इसमें क्रीम और मेयोनीज़ वगैरह यूज़ किया है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत मज़े का होता है। खाएंगे तो बस आप खाते ही रह जाएंगे। हाँ, ये काफ़ी रिच होती है, तो आप इसको कभी कभी ज़रूर बना सकते हैं। हाँ, फ्रीक्वेंटली तो आप इसको नहीं बना सकते, लेकिन कभी कभी इसको खाया जा सकता है। बहुत मज़ेदार होती है। कबाबों का टेस्ट भी बहुत उम्दा है। एकदम सॉफ्ट और जूसी हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ मलाई सीख बिरयानी की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।